हेलो गाइस, नमस्ते दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को होने के लिए। आज की वीडियो का टॉपिक है, नहीं आज की वीडियो को कोई नया टॉपिक नहीं है। क्या टॉपिक रहेगा, कमेंट टॉपिक कर दूंगा मैं? नहीं, आज की वीडियो में हम लोग एक कमेंट का रिप्लाई करने वाले हैं। एंड इसके बारे में बताने से पहले मैं डिस्क्लेमर पहले ही दे देता हूँ कि अगर आप क्लास टेंथ के एस्पिरेंट नहीं हो तो हाल फिलहाल प्लीज़ वीडियो को एग्जिट कर लो, क्योंकि एक क्लास टेंथ का डाउट है एंड उसे हम लोग एड्रेस करने वाले हैं। तो इसके बाद एक घंटे बाद जो वीडियो अपलोड होगी उसे आप देख सकते हो एंड वो काफी रिलेटेबल टॉपिक पे है एंड मजा आएगा देखने में एंड ज्यादा लंबी भी नहीं होगी। इतना ज्यादा मैं बता दूंगा तो कोई वीडियो का एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो अगर आप क्लास 10 के एस्पिरेंट नहीं हो तो प्लीज एग्जिट, एंड अगर हो तो प्लीज बने रहो एंड एंड तक बने रहना। काफी रिलेटेबल थिंग है एंड काफी रिलेट करोगे और उससे एफिशिएंसी बढ़ेगी पढ़ाई में, जिससे हम लोग अपने टारगेट पहुंचेंगे जो कि है 97 और मिनिमम है और उसके ऊपर है। ओके, तो चलते हैं, इतना ज्यादा बात नहीं करते हैं। तो ये हिमांशु ने कमेंट किया है। हिमांशु इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th एंड ही हैज आस्क्ड मी, ठीक है, वो कमेंट मैं अभी दिखा देता हूँ, स्क्रीन पे अभी शो कर देगा आपको। उसे मैंने एक पेपर में लिखा है यहाँ पर। तो हिमांशु ने मुझसे ये पूछा है कि भैया मैथ्स में मेरे 7-8 चैप्टर हो गए हैं, ओके, साइंस में मेरे 4 चैप्टर हुए हैं, 2 अच्छे से हुए हैं, दो अच्छे करने बाकी हैं। SST में मेरा हिस्ट्री एकदम कंप्लीट है। इकोनॉमिक्स में 1 चैप्टर हुआ है, बाकी उसने सिविक्स और ज्योग्राफी का तो नहीं बताया। इंग्लिश में मेरा ग्रामर कुछ नहीं हुआ है, रीडिंग हो गया है। हिंदी में भी यही हाल है, ग्रामर मेरा मैंने छुआ तक नहीं है एंड रीडिंग मेरी हो गई है। विल आई बी एबल टू कंप्लीट माई सिलेबस बिफोर 1 जनवरी? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। 1 जनवरी के पहले मैं सिलेबस कंप्लीट कर पाऊंगा एंड उसने काफ़ी ऑनेस्टली किया है। तो अब उन्होंने ऑनेस्टली किया है तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि अच्छे से बता दिया है। अब ऐसा नहीं किया इतना मेरा हो गया इतना, तो आपको अच्छे से जानने को मिलेगा। मैं एकदम ऑनेस्टली बताऊंगा, ऐसा कुछ नहीं करूंगा कि अरे कोई नहीं यार तुम्हारे 2 चैप्टर हुए हैं, तुम 10th के एक दिन पहले पढ़ के जाना, तुम्हारा 95 ऊपर आएगा। मेरी वीडियो देखते हो ना, लाइक करते हो, सब्सक्राइब करो, बस ऐसे करते रहो, हाँ तुम्हारा एक ये सब नहीं होगा यार। मेन तो टारगेट चाहिए अपना, लाइक शेयर गया भाड़ में, ठीक है। आते हैं इसको पूछते हैं कह रहा मैं, इसको आंसर करते हैं। तो मैथ्स का हाल 7-8 चैप्टर, अभी RS अग्रवाल आदि शर्मा में बिल्कुल नहीं कूदना, मेन और मेन एक चीज लेके चलनी है, दैट इज NCERT। 7-8 चैप्टर हुए हैं, अपने आप को पुश करो और दिसंबर 1 जनवरी आते आते कंप्लीट आराम से हो सकते हैं जितने आपके नंबर ऑफ चैप्टर्स लेफ्ट हैं। एंड जैसे ही कंप्लीट होगा एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा एंड उसके बाद उन सारी चीज़ों पे कूद जाना डायरेक्ट आप, जो चीज़ आपकी वीक है, ठीक है। जिस वाले को एक्सरसाइज, जो ऑप्शनल एक्सरसाइज रहती है, वो अगर आपको नहीं, आपकी थ्योरम नहीं हो पा रही है, प्रूफ नहीं कर पा रहे हो, तो आप उसे बहुत बार लगाते जाना एंड उस क्वेश्चन पे मेन टारगेट रहना। लेकिन वो कब, लेकिन उससे पहले आपको कंप्लीट करना है। वो तो तब रहेगा जब आप कंप्लीट कर चुके अपनी NCERT, ठीक है। NCERT पे ही फोकस रहना। RS अग्रवाल अट्रैक्टिव लग रही है, उठा के बाहर फेंक दो उसको, बेच दो। RD शर्मा अट्रैक्टिव लगे, उठा के बेच दो उसको। अभी मेन क्या, NCERT। NCERT इज द बाइबल इन मैथ्स, ठीक है। मैथ्स का आपका हो गया। साइंस में आपका बहुत बुरा हाल है, ठीक है हिमांशु, आपका काफ़ी गंदा हाल है। आपके कितने चैप्टर हुए हैं? 4 चैप्टर हुए हैं ना? नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। 4-5 चैप्टर तो बायो में है एंड फिर बाद में आपके केमिस्ट्री भी है एंड देन फिजिक्स भी है, जिसपे आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, तो डीमोटिवेट मत हो। 4 चैप्टर हुए हैं तो अभी साइंस पे मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स पुट अप करना, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स नहीं कि आप पूरा दिन ही लेके साइंस बैठ गए, जितना भी हो एक टारगेट लेके चलना है कि हाँ इस दिन मुझे इतना कंप्लीट करना है, ताकि 1 जनवरी के एक दिन पहले नहीं 10 दिन पहले मेरा कंप्लीट हो जाए, ताकि 10 दिन पहले नहीं भी होना। क्योंकि टारगेट हम जब हम लोग रखते हैं, जैसे मुझे अगर आज मैंने रखा है कि मुझे इतना से लेकर इतना तक पढ़ना है और इतने बजे उठना है, तो वो कभी एग्जैक्टली नहीं फुलफिल हो पाता है। आप मानते हो कि नहीं मानते हो इस बात को, ठीक है। तो वो कुछ पीछे या फिर कुछ आगे कंप्लीट होता है, आगे तो रेयरली होता है, थोड़ा इतना हम लोग भोकाली नहीं बनते हैं, पीछे ही होता है। तो आप 10 दिन पहले का टारगेट रखो एंड करते जाओ। बायो पे ध्यान दो, फिजिक्स पे, केमिस्ट्री पे, लेकिन ये तीनों का कवर कहाँ से करना है, मेन और मेन क्या थी, जो मैंने सबसे पहले वाले पॉइंट बताया था, एंड दैट इज NCERT। NCERT लेके चलना है एंड बहुत अच्छे से उसके इंडेक्स क्वेश्चन, उसके एक्सरसाइज, अब ये सारी चीज़ें करनी है। NCERT इज द मेन की। साइंस में आपको ज़्यादा हाल, ज़्यादा मेहनत करनी है, अच्छा हाल नहीं है बिल्कुल भी। 2 चैप्टर अच्छे से हुए हैं, 2 चैप्टर अच्छे करने हैं, पुशअप करो, अपने आपको पुश करना है आपको। SST की बात करते हैं। SST हिस्ट्री आपका कंप्लीट है, दैट्स वेरी नाइस। बहुत सारे लोग का नहीं भी होता है, मेरा तो जनवरी में भी नहीं हुआ था, आपका हो गया, दैट्स वेरी नाइस थिंग। इकोनॉमिक्स में 1 चैप्टर हुआ है, ठीक है। हिस्ट्री में भी आपको, सोशल साइंस में भी काफ़ी ज़्यादा करना है, इकोनॉमिक्स करना है। ज्योग्राफी जो है आप अगर प्रिपेयर भी कर लोगे ना, प्री बोर्ड के पहले भी भूल जाता है इंसान, बोर्ड के पहले भी भूल जाता है, कॉन्स्टेंटली उसको रिवाइज करना पड़ेगा। आई नो इट्स वेरी टायरिंग, आई नो किसी को मन नहीं करता है कि ये जिंक कहाँ पे पाया जाता है, कॉपर कहाँ पे पाया जाता है, कॉपर बालघाट माइंस, ये जो भी मैंने एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन दे दिया, कोई ऐसा कॉमेंट मत लिखना ना, गलत बता रहे। ये टायरिंग होता है लेकिन करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू स्कोर 100 इन सोशल साइंस, जो कि बहुत सारे लोग को मिलता है। इंग्लिश में
इंग्लिश और हिंदी मैंने बताया डिसाइडिंग फैक्टर 95 से नीचे 95 से ऊपर। इंग्लिश में ऑल इन वन, ठीक है, ऑल इन वन आप खरीद लो एंड उससे आप ग्रामर करते जाओ। ऑल इन वन इज़ वेरी मच बेनिफिशियल मेरे भाई, ठीक है, वो ग्रामर भी करेगा। ग्रामर आपको कुछ नहीं हुआ है तो आप करो, ठीक है, ग्रामर पे आपको काम करना है, क्योंकि ग्रामर बहुत यूँ चुटकियों में गलत करवा देता है। एंड एक मार्क गया तो भाई साहब वो सपना भी चला जाएगा अपना 98 पाने वाला, एक दो मार्क्स ऐसे ही चला जाएगा तो, ठीक है, क्योंकि उसको कंजर्व करके रखना। अपना राइटिंग क्वेश्चन में भी तो कट सकता है, ठीक है, उसमें डेफिनेटली कटना ही चाहिए। तो ऑल इन वन इज अ की इन इंग्लिश एंड उस पर रिलाई कर लो, वो आपको आराम से 95 के ऊपर आपकी बोट क्रॉस करवा देगी। हिंदी में भी सेम करना है, हिंदी में आपको कुछ नहीं हुआ है ना, रीडिंग हो गया तो रीडिंग, अच्छा यू हैव मेंशन मेरा रीडिंग हो गया, आपको रीडिंग हो गया है तो उसमें वोकैब पे आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। वोकैब मतलब कि जो नए वर्ड्स आ सकते हैं, अगर इसमें पूछ लिया कि ये इसका उसको क्या कहते हैं यार, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका क्या है, एक और कुछ पूछता था यार, सिमली विमली करके पूछा है ना यार, मेरे को रिमेंबर नहीं हो पा रहा एग्जैक्टली, ऐसे करके पूछा है, तो वो आपके क्लियर है कि नहीं है यार, उस पर ज़्यादा प्रैक्टिस करो। एंड जो नए वर्ड आ जाते हैं उन नए वर्ड को कैसे टैकल करना है, उनका मीनिंग लिखना है, रिलेटेबल कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, रीडिंग में काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है। रीडिंग में इंग्लिश वाली वीडियो में प्रॉपरली बताया गया है। ओके, ऑल इन वन इज़ अ मेन की इन इंग्लिश एंड इन हिंदी एज वेल। फिर क्या था, बस इतना ही है, इतना ही आई होप। एंड 1 जनवरी तक आप कर सकते हो कंप्लीट सिलेबस अपना, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हो सिलेबस हर एक दिन। अभी कितना है, 11 दिसंबर है, एंड आप अच्छे से करते चले जाओगे तो डेफिनेटली आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, सिलेबस 1 जनवरी के पहले। साइंस पे ज़्यादा ध्यान देना है एंड मेन अपनी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के इधर उधर नहीं भागना है। मैथ्स में मैंने क्या बताया एनसीईआरटी, साइंस में मैंने क्या बताया एनसीईआरटी, एंड देन सोशल साइंस में मैं क्या बता रहा हूँ एनसीईआरटी, ओके, एंड वहाँ पर मैंने ही बोला एनसीईआरटी, मैंने एनसीईआरटी नहीं बोला, लेकिन एनसीईआरटी चैप्टर रीड करने के लिए चाहिए। किस में भैया, इंग्लिश और हिंदी में चैप्टर रीड करो उसमें, लेकिन पूरा का पूरा अपने आपको निचोड़ना है, प्रैक्टिस में डिवोट करना है एक किताब पे, एंड दैट इज ऑल इन वन। सॉफ्ट कॉपी में मत चले जाना, कोई मुझसे कमेंट में ये भी पूछा था कि पीडीएफ ले लें, पीडीएफ बेटर है ना, आपको लेना है हार्ड कॉपी एंड उसमें गोजा पार्टी करके कर रहे हैं आप, गोजा पार्टी नहीं सुंदर तरीके से करते हो, दैट ऑल एंड ऑल डिपेंड्स ऑन यू, आई एम जस्ट सजेस्टिंग द बुक एंड दैट इज ऑल इन वन, ऑल इन वन हिंदी और इंग्लिश के लिए। तो ठीक है, आई होप आप सेटिस्फाइड हो गए एंड आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि क्या चीज़ें कैसे मुझे करनी है। एंड बाकी सारे जितने लोग हैं, ठंड रखना है, ठीक है, ऐसा कुछ प्रेशर में नहीं डालना कि मेरा तो कंप्लीट ही नहीं हुआ, अरे कंप्लीट हो जाएगा, अब यहाँ पर आओ विजिट करो, जो चीज़ें बताई जा रही हैं ब्लाइंडली एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट इज़ द मेन कीवर्ड इस पूरे वीडियो में, अगर आप कुछ नहीं समझ पा रहे हो एंड सब चीज़ें ऊपर से निकलनी है, लेकिन ये समझ लिए कि वहाँ मुझे एग्जीक्यूट करना है, भैया पूरा का पूरा बवाल नंबर आ जाएगा, काम करना है बस, है ना। एंड कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में नीचे लिख देना, सारे कमेंट का मैं रिप्लाई करता हूँ एंड ये कर ही रहा हूँ, मतलब सिर्फ रिप्लाई कर रहा हूँ, ओके। और किसी प्रकार की वीडियो चाहिए रिगार्डिंग क्लास 10th एंड किसी भी और टॉपिक पे जो अपने नीश मतलब अपने फील्ड से रिलेटेड हो, बेझिझक होकर कमेंट करना है एंड सब पे वीडियो बनेगी। तो ठीक है, तब तक के लिए सी या एंड हैव अ ग्रेट डे।